हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। क्रैश कोर्स सीरीज़ में पॉलिटी कंपोनेंट में पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे हम, तो पार्लियामेंट को कंटिन्यू करते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से हमने ये वीडियो स्टार्ट करना था, तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि हाउसेस को समन करना है, तो समन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम पीरियड जो आ सकता है वो 6 मंथ्स है। 6 महीने का पीरियड ख़त्म होने से पहले पहले दूसरा सेशन पार्लियामेंट का होना चाहिए। तो 3 सेशंस हैं मेनली, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। The period spanning between the prorogation of a house and its reassembly is called the recess. कि आपका session जो 1 है, ये for example 5th of July को prorogue हो गया, and for example अगला session आपका 10th of September को होता है, तो इनके बीच का जो period है तो कहते हैं house is in recess, right? अडजर्नमेंट मोशन। तो अडजर्नमेंट मोशन, अडजर्नमेंट 2-3 तरीके की होती है। एक तो ये कि आप हाउस सिंपली अडजर्न कर देते हैं। तो पहले देखते हैं कि हाउसेज में जो स्लॉट्स है वो क्या है। एक तो मॉर्निंग सेशन है आपका, मॉर्निंग सिटिंग है जो कि 11 AM टू 1 PM होती है। देन यू हैव योर लंच ब्रेक एंड देन 2 PM टू 6 PM की आपकी पोस्ट लंच सिटिंग है। तो 2 सिटिंग्स है। तो कई बारी क्या होता है कि मान लो कि पॉलिटिकली हीटेड एनवायरनमेंट है, जैसे आजकल चल रहा है, तो सुबह हाउस में पहुंचते ही ऑपोजिशन पार्टीज शोर मचाना शुरू कर देती हैं। और अगर तो बिजनेस हाउस का कंडक्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं कंडक्ट हो रहा तो देन चेयरमैन सेज कि हाउस इज अडजर्न टिल 12 o'clock, हाउस इज अडजर्न टिल 2 o'clock, हाउस इज adjourned till 5 o'clock। तो कुछ घंटे के लिए हाउस को adjourn कर देती हैं ताकि MPs can go outside, cool off and then come back and then business can start, business of the house can start। तो ये तो है आपकी adjournment। एक होती है adjournment signedy। adjournment signedy होती है कि जब आप हाउस adjourn कर देते हो और कोई टाइम नहीं बताते हो वापस आने का, तो the chairman of the house simply says the house is adjourned, राइट। तीसरी होती है प्रोरोग्ड, प्रोलोगेशन। तो प्रोलोगेशन में क्या होता है कि आपका सेशन खत्म हो रहा है, स्पीकर हाउस को अडजर्न कर देगा, अडजर्न साइंडी, एंड उसके बाद प्रोलोगेशन की एक नोटिफिकेशन चली जाती है कि हाउस की सेशन प्रोरोग हो गया है। फिर है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से पहले देख लेते हैं अडजर्नमेंट साइंडी। एडजर्नमेंट साइंडी जो होता है कि सिटिंग टर्मिनेट हो जाती है पार्लियामेंट की इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कि आपको पता नहीं है कि रीअसेंबली हाउस की कब होनी है। तो जो अडजर्नमेंट की पावर है या जो अडजर्नमेंट साइंडी की पावर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। तो जो भी ऑफिसर प्रिजाइड कर रहा होता है वो हाउस को अडजर्न या अडजर्न साइंडी कर सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अडजर्न साइंडी कर देता है जब सेशन का बिजनेस खत्म हो जाता है, एंड अगले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रोरोगेशन की नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। प्रेसिडेंट कैन हाउएवर आल्सो प्रोरोग द हाउस व्हाइल द हाउस इज इन सेशन। तो एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइंडी, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं तो वो प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसमिस करने के लिए बोल सकते हैं। राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस है, ये कंटिन्यूस हाउस है। ओके, अब मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई, राज्यसभा सेशन में है, राज्यसभा तो कंटिन्यूस हाउस है तो राज्यसभा है, तो कुछ बिल्स लैप्स कर जाते हैं, कुछ बिल्स नहीं लैप्स करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिल लैप करेगा कौन सा बिल नहीं लैप्स करेगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो कि आपने ये देखना है कि राज्यसभा
थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लोकसभा की 5 ईयर की फिक्स टर्म है, राइट। राज्यसभा कंटिन्यूअस हाउस है, राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है। लोकसभा में इट्स हाईली पॉलिटिकल, नॉट दैट कि राज्यसभा पॉलिटिकल नहीं है, बट समहाउ क्योंकि लोकसभा में हर 5 साल बाद इलेक्ट होके आना पड़ता है बाय पॉपुलर वोट्स, तो थोड़ा पॉलिटिकल जो है नरेशन है, रिटोरिक है, वो ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मान लीजिए कोई भी बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने या किसी ने भी, एंड वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स कर गया। जब नई लोकसभा आएगी तो वो इस बिल को नहीं कंसिडर करेगी, बिल लैप्स हो गया। अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद लोकसभा में आया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसे राज्यसभा पास कर चुकी है। लोकसभा उस बिल को अब, नई लोकसभा उस बिल को अब कंसिडर करेगी। दूसरा, कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया है, ये वाली जो पुरानी लोकसभा थी इसने बिल पास कर दिया, राज्यसभा में अभी बिल पेंडिंग है, एंड ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो बिल भी लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ साथ लैप्स कर गया। अब मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा, आइदर ऑफ द हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे हाउस ने बिल पास नहीं किया या डिसएग्रीमेंट हो गया उस बिल के ऊपर, डिसएग्रीमेंट होने के बाद प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग के लिए बोल दिया कि जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट सिटिंग होने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स नहीं होता क्योंकि राज्यसभा उसे अप्रूव कर चुकी है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए बोल चुके हैं, तो जो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी वो राज्यसभा के साथ जॉइंट सिटिंग में बैठेगी और बिल कंसिडर करेगी। अब ये वाली इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज़ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोनों में जो क्या डिफरेंस है बताता हूँ। अब अगर आपका बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो पेंडिंग इन द राज्यसभा की इंट्रोड्यूस ही हुआ है एंड नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो वो लैप्स नहीं होगा क्योंकि वो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड राज्यसभा कंटिन्यूअस हाउस है, तो राज्यसभा के रहते हुए वो बिल भी रहेगा। यहाँ पे जो पहले केस में हमने देखा था कि लोकसभा में पेंडिंग बिल लैप्स कर जाएगा वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है एंड सिर्फ राष्ट्रपति के वहां पे सिग्नेचर होने बाकी हैं कि प्रेसिडेंशियल एसेंट बाकी है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता। अगेन लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर चुके हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बाकी हैं, तो लोकसभा डिसॉल्व होने पे वो बिल डिसॉल्व लैप्स नहीं करता। इस केस में मान लीजिए नई लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूट हुई उनको वो बिल नहीं चाहिए, उस केस में जो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज करने की एडवाइस दे सकती है। ये हमने प्रेसिडेंट के अंडर देखा था कि मान लीजिए कोई नई लोकसभा आई, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसी बिल से डिसएग्रीमेंट में हैं और वो बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप अपनी एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज करो और इस बिल को पास मत करो। तो पांचवा पॉइंट आपका वो है। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया एंड प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन, तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक बारी पास हो चुका है, तो वो बिल रहेगा एंड जो नई लोकसभा आएगी उस पे डिबेट डिस्कशन कर सकती है पर बिल लैप्स नहीं होगा। तो इसेंशियली यही है कि राज्यसभा में सिंपली अगर कोई बिल पास हो गया है एंड राज्यसभा बीइंग अ कंटिन्यूअस हाउस,
तो बिल लैप्स नहीं ही करेगा अगर राज्यसभा किसी भी स्टेज पे उसे पास कर चुकी है। अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास आया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, कुछ चीजों को लेके डिसएग्रीमेंट है लोकसभा के साथ एंड प्रेसिडेंशियल जॉइंट सिटिंग के लिए बोल चुके हैं, तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। एक तरीके से माना जाता है कि ये बिल स्टे करेगा एंड अगली लोकसभा आके इस पर डिस्कशन कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ लोकसभा में ही पेंडिंग बिल है, वो जनरली लैप्स कर जाता है अनलेस कि राज्यसभा इसको पास ना कर चुकी हो। तो लोकसभा में पड़ा हुआ बिल तो लैप्स कर जाएगा क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है। तो ये जनरल थंब रूल है, आप बाकी इन चीजों को पढ़ के यहां से याद कर सकते हैं। देन कोरम क्या होता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हाउस का बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा सके, हाउस की प्रोसीडिंग्स शुरू करी जा सकें। तो मिनिमम नंबर हम जनरली 1/10 लेके चलते हैं। तो 545 के हिसाब से लोकसभा में 55 है और 245 के हिसाब से राज्यसभा में 25 है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए फॉर हाउस टू फंक्शन वोटिंग। तो वोटिंग जनरली होती है, नॉर्मली तो सी देखो, कोई भी बिल अगर अंडर डिस्कशन है, स्पेशली लोकसभा में अगर अंडर डिस्कशन है और गवर्नमेंट बिल है और गवर्नमेंट की मेजोरिटी है लोकसभा में, तो काफ़ी ऑब्वियस ही हो जाता है कि गवर्नमेंट बिल है तो पास होना ही है। कई और मुद्दों पे जनरली ऑपोजिशन के साथ भी सहमति होती है तो भी आपको पता है कि बिल पास होना ही होना है। बट डिस्पाइट द पुशेज एंड पुल्स ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे ऑपोजिशन साथ हो चाहे कुछ भी हो, जो सिंपल प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है वो सिंपली बाय वॉइस वोट ही पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। कि अगर आपने कभी लोकसभा राज्यसभा टीवी की प्रोसीडिंग्स देखी हो तो जो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है होते हैं हाउस के, वो कहते हैं दोज इन फेवर से आए, तो बहुत सारे लोग शोर मचाते हैं आए, तो जो लोग फिर प्रेजिडेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं दोज अगेंस्ट थे नो, तो जो नो वाले होते हैं वो नो चलाते हैं। तो सिर्फ इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किसकी गूंज ज़्यादा ऊंची थी, कि उस तरफ ज़्यादा वोट्स हैं एंड अगर आई की तरफ ज़्यादा वोट्स हैं, यस की तरफ ज़्यादा वोट्स हैं तो पास कर दिया जाता है। अगर नो की तरफ आपको लगता है कि शोर ज़्यादा हुआ, मेजॉरिटी नो की तरफ है, तो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिंपली वॉइस वोट के बेसिस पे ही हम बिल्स पास कर देते हैं और कानून बना देते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना है कि फिक्स्ड नंबर्स चाहिए और आपको पता नहीं कि सरकार के पास इतने नंबर्स हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर पाए, तो आपको एग्जैक्ट चाहिए कि कितने मेंबर्स बिल के अगेंस्ट, कितने मेंबर्स बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, वहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ पे दो बटन्स लगे हुए हैं, राइट। उसमें क्या है कि आपको एक बटन को लगातार प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है एंड उसके बाद दूसरे बटन को दबाना है, तभी जाके आपका जो ये दूसरे बटन पे वोट है ये रजिस्टर होगा, चाहे यस में चाहे नो में। तो अगर आप सिंपली इस बटन को दबा देते हैं और लॉन्ग प्रेस नहीं किया हुआ आपने ये बटन कि कंटिन्यूसली प्रेस नहीं किया हुआ, आपके वोट रजिस्टर नहीं होता। तो इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, स्लाइटली फनी वेज हाउ आर पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ आर डेमोक्रेसीज वर्क। तो कहा यह जाता है कि मान लीजिए मैं एक ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर हूँ और मैं मेरे राइट में गवर्नमेंट का कोई मेंबर बैठा है, तो मैं एक हाथ से तो अपना वोट दबा दूंगा एंड दूसरे बंदे से क्विक रिएक्शन देके उसका भी वोट अपने हाथ से ही दबा दूंगा, तो उसको वोट करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद तो शोर ही मचता रह जाएगा कि अरे अरे इसने मेरा बटन दबा दिया, मेरे भी हाथ पे वोट कर दिया, ये तो इलीगल है। एंड कैसे प्रूव करेंगे किसने किसके साथ हाथापाई करी, क्या किया, अगेन लाइक कॉम्प्लिकेशन है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके दोनों हाथ हमने एंगेज करने हैं ताकि आप तीसरे बंदे को अपने लेफ्ट राइट बैठे नेबर को तंग नहीं कर सकें। तो एक हाथ से आप कंटिन्यूसली एक बटन प्रेस करके रखेंगे एंड दूसरे हाथ से आप अपना वोट कास्ट करेंगे।
तो इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सेट्रा के लिए भी आप के लिए आप जो है वोट्स काउंट करते हैं। एक और चीज होती है समथिंग कॉल्ड अ डिविजन ऑफ वोट्स। मान लीजिए कि बहुत ही क्लोज कॉल है, ऑपोजिशन के भी नंबर बराबर से ही हैं, गवर्नमेंट के नंबर भी थोड़े से ऊपर हैं उससे, तो अगर आपको लगता है कि जो आईज और नो वालों की जो शोर है, जो आवाज़ है, वो ऑलमोस्ट बराबर सी थी और आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं कि बिल को पास करने की मेजॉरिटी आ गई थी, स्पीकर जो पास कर रहे हैं वो सही नहीं है, सवालिया निशान है, देर कुड बी क्वेश्चंस अराइजिंग, तो यू कैन आस्क फॉर अ मेंबर कैन आस्क फॉर अ डिविजन ऑफ वोट्स। डिविजन ऑफ वोट्स में क्या होता है कि फिर अब आप वोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस में, तो अब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट कास्ट करते हैं एंड वो वोट रजिस्टर होता है एंड काउंटिंग होती है कि आए के फेवर में कितने एंड नो के फेवर में कि नो कितनों ने किया। तो दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ वोट्स। बट जनरली जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको बजट पास करना है, तो आईज इस बारी जैसे अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि बजट 25 एक मिनट में बहुत सारी अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करी गई गवर्नमेंट द्वारा एंड विदाउट डिस्कसिंग एनी ऑफ दोज अमेंडमेंट्स और विदाउट डिस्कसिंग एनी ऑफ द प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज, द बजट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन अप्रॉक्सीमेटली, जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा जो पार्लियामेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने 36 मिनट्स कहे। 36 मिनटों में बिना ऑपोजिशन की बात सुने या बिना डिविजन ऑफ वोट्स किए या बिना कोई डिस्कशन किए बजट पास कर दिया गया। तो अगर ऑपोजिशन वाले कह भी रहे हैं कि नहीं सरकार के एलाइज हैं, सरकार को छोड़ के जा रहे हैं, शायद सरकार के पास नंबर्स नहीं हो, आप डिवीजन ऑफ वोट्स करवा लो, नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी काफ़ी काफ़ी हद तक पॉलिटिकल ही हैं, तो डिवीजन ऑफ वोट्स का तो सवाल ही नहीं। एंड सिंपली 35-36 मिनटों में बजट वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड बाई दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो दिस इज हाउ इट इज डन। जो मेजोरिटी की बात है वो तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि किस केस में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किस केस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए एंड किस केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटोर्नी जनरल भी हम एक बार तो बात कर ही चुके हैं कि किसी भी हाउस में वो जाके बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, किसी कमेटी का पार्ट बन सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते सिवाय उस हाउस के जिसके वो मेंबर हैं। एंड अटॉर्नी जनरल तो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों हाउसेस के ही मेंबर नहीं हैं। लेम डक सेशन वो होता है जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का। एंड फॉर एग्जांपल नई लोकसभा इलेक्ट हो गई है, कैंडिडेट्स जीत चुके हैं, पर जो पुरानी वाली लोकसभा थी उसका जो लास्ट सेशन होगा उसको लेम डक सेशन कहते हैं, एंड जो लोग दोबारा इलेक्ट नहीं हुए, जो अपने इलेक्शंस हार गए, उनको लेम डक्स कहा जाता है, तो लेम डक सेशन। अब प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट में, किस चीज़ से कैसे शुरुआत होती है? तो सबसे पहला घंटा जो होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, हमने 11 o'clock to 1 p.m. देखा, तो फर्स्ट आर पार्लियामेंट्री सिटिंग का होता है सवाल पूछने के लिए, इसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं। तो इस टाइम पे जो मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं वो मिनिस्टर्स से सवाल पूछते हैं एंड मिनिस्टर्स उनका आंसर्स देते हैं। तो तीन तरीके के सवाल हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, एक को कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार क्वेश्चन मतलब कि मान लीजिए क्वेश्चन 1 सो एंड सो, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार्ड क्वेश्चन है ये। इसके लिए मिनिस्टर ने ओरल आंसर देना है। तो ओरल मान लीजिए मेंबर ने सवाल पूछा, मिनिस्टर ने ओरल आंसर दिया, मेंबर इसका सप्लीमेंट्री सवाल मतलब फॉलो अप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम पूछ रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर से कि कितनी एलोकेशन है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, और ओरली ही हमें जवाब चाहिए, तो बोल देंगे डिफेंस मिनिस्टर बोल देंगे कि रक्षा मंत्री जी बोल देंगे जी 50,000 करोड़ की एलोकेशन है। तो फॉलो अप क्वेश्चन ये हो सकता है
कि अच्छा आप बता दीजिए कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में कैसे ब्रेकअप है डिवीजन का। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टार्ट क्वेश्चन के केस में। फिर आता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसका आपको लिखित में जवाब चाहिए, आपको रिटर्न आंसर चाहिए। तो क्योंकि वो रिटर्न आंसर है, मिनिस्टर्स अपनी अपने ऑफिसर्स से बात करके अपनी मिनिस्ट्री में देख के प्रिपेयर करके लेके आते हैं आंसर, तो उसकी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते कि मिनिस्टर उसी क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर करके आए हैं। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब रिटर्न होता है एंड उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होता है जो पूछा जाता है 10 दिन से कम का नोटिस देने के बाद, एंड इसका जवाब भी ओरली ही दिया जाता है। तो इस चीज़ से आपको ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि जो स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन है, ये अगर आपने मिनिस्टर से सवाल पूछने हैं तो आपको काफ़ी एडवांस में अपना सवाल देना होगा। मिनिस्टर तक वो सवाल जाएगा, फिर उसकी लिस्टिंग होगी कि इस दिन मिनिस्टर आपका जवाब देंगे, एंड तब जाके आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। मिनिस्टर के अलावा क्लॉज ये भी है, याद रखिए कि प्राइवेट मेंबर्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का सेम है, चाहे मेंबर से सवाल पूछने हो, प्राइवेट मेंबर से सवाल पूछने हो, चाहे किसी मिनिस्टर से सवाल पूछने हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए ऐड कर दी। ये मुझे खुद भी बहुत रिसेंटली ही पता चला कि स्टार्ड क्वेश्चन जो हैं वो ग्रीन में प्रिंट होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो वाइट में लिखे होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो हैं वो लाइट पिंक में होते हैं, एंड प्राइवेट मेंबर्स को जो सवाल जाते हैं वो येलो कलर में लिखे होते हैं, ताकि एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकें। कुछ साल पहले मुझे याद है कि पंजाब के PCS में उन्होंने पूछ लिया था दूध के पैकेट्स के ऊपर जो कलर कोडिंग है वो बताइए, कि डबल टोन्ड दूध के ऊपर क्या कलर है, सिंगल टोन्ड के ऊपर क्या है, फुल क्रीम के ऊपर क्या है, एंड चौथा कोई एक और कलर था, सो येलो ग्रीन रेड एंड वट एवर द फोर्थ कलर वॉज। तो कलर कोडिंग पूछ ली थी दूध के पैकेट के ऊपर। तो हो सकता है कभी UPSC का भी मन कर जाए और आपसे पूछ ले कि क्वेश्चंस किन कलर में प्रिंट किए जाते हैं, आप कलर कोड मैच करो। तो यू नेवर नो, ऐसा अगर जिस दिन क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग UPSC को बहुत बुरा भला बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती है UPSC की, हमें आता होगा कि रिडिक्युलसली डिफिकल्ट है ये तो, बट सिंपली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो पे अटेंशन टू व्हाटएवर यू रीड, ध्यान से पढ़ो, लक्ष्मीकांत एक ट्रेजर ट्रोव है। जीरो आर, तो जीरो आर एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास अवेलेबल है, ताकि वो सवाल पूछ सकें, चीजें डिस्कस कर सकें विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो मान लीजिए 11 to 1 PM का हमारा प्री लंच सेशन है, 11 बजे हमने देखा कि क्वेश्चन आर स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए हमने रखा है कि 12:30 बजे हम बिजनेस ऑफ द हाउस, जो एजेंडा फॉर द डे है, वो शुरू करेंगे, एंड क्वेश्चन आर 11 बजे शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन आर मान लो एक्सपेक्टेड था कि 1 घंटा 25 मिनट में ख़त्म होना है, पर वो 40 मिनट में ही ख़त्म हो गया, 11:40 पे ही फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गया। तो 11:40 से लेकर 12:30 का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल जो ये 50 मिनट हैं, दिस इज़ कॉल्ड जीरो आर, कि आपका क्वेश्चन आर ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आर के बाद शुरू हुआ, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर जो ख़त्म होता है, लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप। तो उसके बीच के बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमने एक अपनी पार्लियामेंट्री खुद की इनोवेशन शुरू कर दी, तो इसको जीरो आर कहते हैं हम। और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये ऐसे डेवलप हो गया कि अच्छा टाइम यूटिलाइज करना है तो चलो ये कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आर एंड एजेंडा ऑफ द डे के बीच में जो टाइम होता है उसको जीरो आर कहते हैं। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। तो लिखा कहीं नहीं हुआ, सिर्फ एक ओवर द ईयर्स डेवलप हो गया है एक। अब आपने जो भी अपनी बात रखनी है पार्लियामेंट में, वो मोशंस या रेजोल्यूशंस के थ्रू रखनी है। तो इनके बारे में बात करते हैं कि मोशंस एंड रेजोल्यूशंस क्या क्या चीज़ हैं। कि कोई भी डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस,
पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर, कि आपने कोई भी मुद्दा उठाना है तो एक तरीके से क्लास मॉनिटर हैं, आपको प्रेजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड स्पीकर जो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाउस इस दिन इस मुद्दे के ऊपर बात करेगा, और जो भी उसके ऊपर हाउस ने बात करी, उसके ऊपर हाउस का जो भी फैसला निकला, जो भी कंक्लूजन निकली, वो कंक्लूजन या वो फैसला जो हाउस एक्सप्रेस करता है बाय अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ अ मोशन। कि मान लीजिए मिनिस्टर ने मोशन मूव किया टू कंग्रेचुलेट द इंडियन टीम ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप, तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, प्रेजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेके आपने मोशन रेज किया, डिबेट हुई और पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने मान लो पास कर दिया यूनानिमसली, तो हाउस ने अपनी व्यू एक्सप्रेस कर दी कि हाँ जी हम बहुत खुश हैं, हम ऐसे यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर रहे हैं मोशन को कि जी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जाए। ऑल्दो मोशन डिफरेंट चीज़ होती है, रेजोल्यूशन डिफरेंट है। अगर वर्ल्ड कप जीती हुई टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, इट इज़ मोर लाइक अ रेजोल्यूशन नॉट अ मोशन। मोशन में आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। तो जो तीन प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं मोशंस की, वो है सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन। तो बात करते हैं क्या है। सब्सटैंटिव है कि अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, सब्सटैंटिव मोशन है और किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में है, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने रिमूवल ऑफ स्पीकर के केस में भी अगर आपको याद हो सब्सटैंटिव मोशन पढ़ा था, कि अगर स्पीकर का कॉन्डक्ट इन द हाउस आपने डिस्कस करना है, इट के नॉट बी डिस्कस्ड अनलेस अ सब्सटैंटिव मोशन फॉर द सेम इज इनिशिएटेड इन द हाउस। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए सब्सटैंटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन तो वही है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग मोशन है, उसको रिप्लेस करके आप एक नया मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट मोशन है, कि ओरिजिनल मोशन को हटा के नया मोशन, नया अल्टरनेटिव प्रपोज करता है ये। तो अगर ये अडॉप्ट कर लिया हाउस ने तो पुराने ओरिजिनल मोशन को हटा के ये सुपरसीड कर जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन, बस नाम से ही आपको क्लैरिटी है, सब्सटैंटिव, सब्स्टिट्यूट। सब्सिडरी मोशन, तो सब्सिडरी मोशन वो है कि किसी एक मोशन का ये सब्सिडरी है, कि आपस में इसका कोई मीनिंग नहीं है, अपने आप में इट सेल्फ हैज नो मीनिंग एंड किसी ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस के बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो सब्सिडरी मोशन है उसको हम तीन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला है एंचलरी मोशन, कि रेगुलर तरीका है ये काम करने का, कि मान लो एक मोशन ऑलरेडी इनिशिएटेड है हाउस में, उसके ऊपर कुछ और डिबेट डिस्कशन हुआ, तो एक आपने सब्सिडरी मोशन और इंट्रोड्यूस कर दिया, कि वो एक एडेंडम हो गया इस मोशन को लेके। कुछ और डिबेट डिस्कशन हुआ, कुछ और बात सामने आई, तो आपने एक मोशन थ्री इंट्रोड्यूस कर दिया जो अगेन इसका एडेंडम बन रहा है। तो दिस इज़ हाउ हाउस नॉर्मली फंक्शंस। तो एंचलरी मोशन वही है कि रेगुलर तरीका है प्रोसीड करने का, सब्सिडरी मोशन ऐड करते 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 करते। सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीडिंग मोशन वो होता है कि किसी डिबेट के दौरान मूव किया जाता है और कहता है कि इस मुद्दे पे जो डिबेट हो रही है इसको हटा के इसके बारे में बात करी जाए, कि इट इज़ मूव्ड इन द कोर्स ऑफ अ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू, कि उसको हटाओ इसके बारे में बात करो, कि किसी और इशू को सुपरसीड करने के लिए है ये मोशन। तीसरा है अमेंडमेंट, वो है कि ओरिजिनल मोशन के किसी पार्ट को मॉडिफाई या सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से हटाना नहीं या कोई सब्सिडरी एंचलरी मोशन ऐड करना नहीं, एग्जिस्टिंग मोशन के ही पार्ट को मॉडिफाई या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये है मोशंस। इसके बाद है अपने पास क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन होता है कि आपके पास डिबेट चल रही है किसी मुद्दे पे, आपको डिबेट को कट शॉर्ट करना है
और उसके लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बस बहुत हो गई डिबेट, कि ये मोशन पास कर दो तो इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कट शॉर्ट कर दी जाएगी, वहीं पे ख़त्म कर दी जाएगी अगर ये मोशन हाउस द्वारा पास किया जाता है तो। इफ़ अप्रूव्ड बाय द हाउस, उस मुद्दे पे जो डिबेट है वो रोक दी जाती है, इट इज़ स्टॉप्ड, एंड उस मैटर को अब कहते हैं कि यार बहुत बहुत बहस हो गई, बहुत डिस्कशन कर लिया, अब वोट करवाते हैं इसके ऊपर कि हाउस हक में है या इसके खिलाफ है, तो उसको क्लोजर मोशन कहते हैं। तो क्लोजर भी तीन चार चार तरीके के हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बजट के केस में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो बजट इंट्रोड्यूस किया गया, एक महीने बजट पे डिस्कशन डिबेट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो एक महीने बाद किसी ने क्लोजर मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया कि बस यार एक महीना हो गया डिस्कस कर रहे हैं बजट को, लेट्स पुट द बजट टू वोट एंड पास करते हैं। तो क्लोजर मोशन चार तरीके के हो सकते हैं। पहला तो है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब कि आपने बहुत सफिशिएंट टाइम लगा के हर चीज़ को डिबेट डिस्कस कर लिया है एंड चलो अब इसके ऊपर अब वोटिंग हो जाए, तो सिंपल क्लोजर। फिर तीसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो बिल है या जो भी चीज़ आपके अंडर डिस्कशन है, फाइनेंस बिल है, कोई मनी बिल है, कोई नॉर्मल लेजिस्लेटिव कोई लॉ इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, कोई भी बिल है, तो उसके क्लॉजेस को ग्रुप कर दिया जाता है कि अच्छा ये कन्विक्शन वाले क्लॉजेस हैं, ये पनिशमेंट वाले क्लॉजेस हैं, ये किसी और तरीके के वाले एज वाले क्लॉजेस हैं, तो क्लॉजेस को क्लब करके डिस्कस किया जाता है। दे आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द डिबेट एंड द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द इंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। तो एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस हो, एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन मतलब पूरे पार्ट के ऊपर डिस्कशन एंड पूरा पार्ट ही फिर वोटिंग पूरे पार्ट के ऊपर ही करवाई जाती है। तो इसेंशली मतलब यही है कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स की, आप किसी भी बिल को जिसको डिस्कस कर रहे हो उसको कंपार्टमेंट्स में बांट लिया एंड कंपार्टमेंट्स में डिस्कस करके उसको पास किया। एक है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्लोजर में क्या होता है कि सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं सिर्फ आप उन्हीं पे डिबेट करते हैं, उन्हीं पे वोट करते हैं एंड जो इंटरवीनिंग क्लॉजेज हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, कि मान लिया जाता है कि ये अपने आप पास हो गए। फॉर एग्जांपल कि अच्छा ये हाइपोथेटिकल सा केस है, जैसे आधार के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आधार बिल में अगर किसी को लगता है, सरकार को लगता है कि सिर्फ वही तीन क्लॉजेस इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे कि अगर इफ़ यू आर रॉन्ग्ड बाय आधार, की अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप ये एक्शन ले सकते हैं, सो एंड सो एक्शन ले सकते हैं, तो सरकार को लगता है कि मान लो यही इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं और इन्हीं के ऊपर डिस्कस करके वोट कर देना चाहिए एंड ये वोट के बाद पूरे बिल के ऊपर वोटिंग अज्यूम कर लेनी चाहिए, तो इसको कैंगरू क्लोजर कहते हैं कि आप सिर्फ एक बिल के इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस उठा के डिस्कस कर रहे हो। एक होता है गिलोटीन क्लोजर, जो जनरली हमारे बजट के केस में आजकल होता है कि आपके पास मान लीजिए 40-50 मिनिस्ट्रीज हैं, राइट, जिनकी बजट में एलोकेशंस है, डिफरेंट बजटरी एलोकेशंस हैं, किसी स्कीम में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी ने फाइटर प्लेन खरीदने की बात करी हुई है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इतना पार्लियामेंट के पास टाइम तो है नहीं डिस्कस डिबेट करने को, तो एक मान लीजिए मिनिस्ट्री उठा ली, उसके ऊपर बात हो रही है हो रही है हो रही है, 15 दिन निकल गए, एक और मिनिस्ट्री उठा ली, 2 हो गई, 15 दिन और निकल गए, अब एक महीना निकल गया, इतना ही टोटल टाइम था डिस्कशन के लिए, तो फिर एक अब बजट तो पास भी करना है क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, पैसे तो सरकार के पास सिर्फ 2 महीने के लिए होते हैं बिफोर द बजट हैज़ टू बी पास्ड, तो फिर अब हाउस में ये डिसाइड होता है कि अच्छा ठीक है कि जितना डिस्कस हो गया हो गया, बाकी अनडिस्कस्ड क्लॉजेस भी जो हैं बिल के उनको वोटिंग के लिए डाल दिया जाए एंड बस उसके ऊपर वोटिंग हो जाए। तो क्योंकि सरकार का बहुमत होता है, सरकार की मेजोरिटी होती है हाउस में, तो सरकार बिल पास करवा लेती है, इसको गिलोटीन क्लोजर कहते हैं कि जितना हो गया बाकी का तो बस गला काट दो, अज्यूम कर लो कि हाँ वो अपने आप पास हो गया है। तो ये चार तरीके के क्लोजर मोशंस हैं अपने पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई वुड वॉन्ट यू टू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दिस। फिर है प्रिविलेज मोशन।
अब प्रिविलेज मोशन का थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, एमपीज जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं बाय वर्चू ऑफ बीइंग पार्लियामेंटेरियंस। अगर आप ऐसी किसी प्रिविलेज का उल्लंघन करते हैं तो ये आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन पास किया जा सकता है। मान लीजिए आप मिनिस्टर हैं तो आपसे कुछ, आपको कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। एंड मान लीजिए आपसे किसी ने सवाल पूछा और आपने या तो इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करी या गलत जवाब दिया या डिस्टॉर्ट करके फैक्ट दिया, तो आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये जनरली मिनिस्टर को सेंसर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन हाइपोथेटिकल केस कि सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि जो 39 इंडियंस हैं जो मोसुल में इराक आइसिस ने कैप्चर किए हुए थे, उनको हम बचा नहीं पाए। तो अब इस चीज़ के ऊपर डिबेट ये चल रही है कि 2-3 साल पहले भी एक सर्वाइवर आ गया था जो समहाउ वहाँ से बच के निकल आया था, और उसने आके ये चीज़ बताई थी कि भाई बाकी सारे जो लोग हैं उन सबको मार दिया गया है, कोई बचा नहीं है। तो आप जो फैमिलीज़ हैं जिनसे वो लोग बिलोंग करते हैं, अग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, उनको बता दीजिए कि ऐसा इंसिडेंट हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिक्लेयर नहीं करी, पुष्टि नहीं करी कि हाँ जी उन लोग की डेथ हो गई है। एंड 2-3 साल तक उनकी फैमिलीज़ को होप दिखाते रहे कि शायद वो बच जाएं, एंड हम इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है उनको बचाने की। तो आज जब पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए, तो सम्बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, हर चीज़ पॉलिटिकल है, वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपको पता था, आपने पार्लियामेंट को भी झूठ बोला आपने, जबकि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वो लोग मर गए हैं। आपने ना तो उन फैमिलीज़ को बताया ना ही आपने पार्लियामेंट में बताया। तो आपने जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उनको गलत बताया, उनको डिस्टॉर्ट करके बताया। तो आपके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हाउस में। तो स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी ये चीज़ हुई थी कि जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला जो स्टूडेंट था, जो दलित स्टूडेंट हुए कमिटेड सुसाइड, तो उसके केस के ऊपर जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, तो शी हैड प्रॉब्ली सेड सम थिंग्स जिनके बारे में बाद में कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर ने फैक्ट्स रखे थे हाउस के सामने, वो फैक्ट्स गलत थे एंड वो जानबूझ के हाउस को मिसलीड करने की अटेम्प्ट थी, एंड उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन की मेजोरिटी नहीं है उसमें, तो वो प्रिविलेज मोशन पास तो नहीं ही करवा पाएंगे एटलीस्ट लोकसभा में। तो पर इसका एक वही होता है कि आपने मिनिस्टर को सेंसर ही करना है, इसीलिए ही ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे भगवंत मान ने एक बारी पार्लियामेंट में एंटर करते हुए जो पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस है सब चीज़ की एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी और अपलोड कर दी थी इंटरनेट पे, तो उनके खिलाफ भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया गया कि आपने जो किया बहुत गलत था, पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी का सारा पूरा ब्यौरा है आप इंटरनेट पे डाल रहे हैं, कल को पार्लियामेंट पूरा अंडर सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, पहले भी एक बार ही आ चुका है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था उनके खिलाफ। इनफैक्ट ही वॉज सस्पेंडेड ऑल्सो इवन दो ही हैड अपोलोजाइज फॉर वॉट ही डिड। तो ये है प्रिविलेज मोशन, लंबी हो गई इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ी। देन कॉलिंग अटेंशन मोशन कि आपका ध्यान इधर खींचने की कोशिश है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मेंबर द्वारा, टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। मान लीजिए डिबेट हुई कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेके डिबेट हो रही है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए। कहा जाता है कि इन्होंने फेसबुक से डेटा चुराया बहुत सारा, एंड उस डेटा को यूज़ करके पॉलिटिकल रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए कि लोगों के, लोग क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और क्या थॉट्स, क्या ओपिनियंस बना रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को देख के, वो चीज़ मैनिपुलेट करी। तो मान लीजिए अगले दिन ये न्यूज़ ब्रेक होने के बाद, अगले दिन कोई मेंबर या कुछ दिन बाद कोई मेंबर, मान लो इसमें डिस्कशन नहीं हो पार्लियामेंट में, तो कोई मेंबर
स्पीकर को नोटिस देके कॉलिंग अटेंशन मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता है ये कहते हुए कि जी आईटी जो मिनिस्टर है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी अटेंशन खींचने के लिए इस मुद्दे के ऊपर कि इतनी बड़ी ये चीज़ हो रही है तो आप क्या कदम उठा रहे हैं कि इंडिया में जो इंडियन सिटीजन्स का जो डेटा है फेसबुक पे वो प्रोटेक्टेड रहे, वो डेटा चोरी नहीं हो और इंडियन इलेक्शंस मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं हो। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, आपने मिनिस्टर की सिर्फ अटेंशन खींचनी है। एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का ध्यान किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मुद्दे की तरफ खींचने के लिए। तो एडजर्नमेंट मोशन जो होता है इट ऑल्सो कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट को सेंशर करने के लिए है। जैसे मिनिस्टर को सेंशर करने के लिए प्रिविलेज मोशन है, तो गवर्नमेंट को सेंशर करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन है। तो इस मोशन को एडमिट करने के लिए 50 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए, 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, 50 लोगों की सपोर्ट मिल जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवाइस मानी जाती है एंड हाउस के नॉर्मल बिजनेस को ये इंटरप्ट करके रोक के इस मुद्दे के ऊपर फिर बहस होती है, जिस मुद्दे की वजह से एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। तो क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ ये काफ़ी बड़ा सेंसर है, तो ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा में जनरली गवर्नमेंट के नंबर्स नहीं भी हों तो भी वो लोकसभा में मेजॉरिटी लेके सरकार बना सकती हैं। एंड अगर क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा राज्यसभा में, तो ऑपोजिशन पार्टीज मिल मिलके हर बारी एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ द डे की फिर बहुत बेइज्जती है कि क्योंकि उनके पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं है तो बार बार एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस वजह से सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन आजकल इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा की जाए। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी TDP ने ही इंट्रोड्यूस किया है, बट जो स्पीकर ऑफ द जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो यही है कि मान लीजिए NDA गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट के पास 325 फॉर एग्जांपल MPs हैं एंड मान लीजिए BJP के पास 250 ही हैं, एक एक करके एंड तक मान लीजिए अगर सारे एलाइज छोड़ गए एंड बाकियों को लगता है, मेंबर्स को लगता है कि BJP हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, सॉरी गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो वो एक गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसमें मेजॉरिटी ने ये कहना है कि हाँ जी हमारा सरकार से कॉन्फिडेंस उठ चुका है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो मतलब सरकार ने हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो सरकार को रिजाइन करना होगा। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, मतलब रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स की, हर रोज मुंह उठा के आप अपनी मर्जी से नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि सरकार गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। तो 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है मोशन ऑफ थैंक्स। तो हर सेशन जो होता है हर नए फिस्कल ईयर का, प्लस जो जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन एंड हर फिस्कल ईयर का नया फर्स्ट सेशन, तो दोनों सेशंस जो हैं वो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक स्पीच लिख के दी होती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी वो स्पीच पढ़ते हैं, तो वो स्पीच में लिखा
वो ये बोलते हैं कि मेरी सरकार हेल्थ के लिए ये करेगी, मेरी सरकार स्पोर्ट्स के लिए ये करेगी, मेरी सरकार एजुकेशन के लिए ये करेगी। तो मेरी सरकार मतलब जिस जो करंट गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जिसके वो राष्ट्रपति हैं, जिनके लिए वो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन साइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ द डे की पॉलिसीज प्रोग्राम्स आउटलाइन करता है, पिछले सालों की भी एंड आने वाले साल की भी। तो प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जिसको हाउस पास करता है, और ये एक तरीके से राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए है कि आपने जो स्पीच दी, एड्रेस किया हमें, बहुत अच्छा था, आपने हमें उजागर किया, यू टोल्ड अस, यू इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एज वेल एज ऑफ द इंसुइंग ईयर्स। तो ये मोशन पास करना होता है राष्ट्रपति जी का शुक्रिया करने के लिए। तो इस मोशन के ऊपर जब वोट होता है तो मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर ये मोशन डिफीट हो गया, इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि लोकसभा में एनडीए का बहुमत है, मेजॉरिटी है, राज्यसभा में अभी तक नहीं है। तो क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिनके ऊपर ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा असहमति में था, बिल्कुल खुश नहीं था, और ये मान रहे थे कि गवर्नमेंट हमें साथ लेके नहीं चली इन बातों के ऊपर, तो प्रेसिडेंट के लिए जो मोशन ऑफ थैंक्स जब डिस्कस हो रहा था राज्यसभा में, तो उसमें ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलके कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करी, कुछ संशोधन इंट्रोड्यूस किए, एंड क्योंकि ऑपोजिशन एक साथ अगर हो जाए तो उनके पास राज्यसभा में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजॉरिटी है, वो ये अमेंडमेंट्स को पास करवाने में भी कामयाब रहे। दो बारी, तीन बारी, ऑलमोस्ट चार साल के टेन्योर में, चार मोशन ऑफ थैंक्स में दो या तीन बारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं मोशन ऑफ थैंक्स में, और ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके से बहुत बेइज्जती है गवर्नमेंट की अगर मोशन ऑफ थैंक्स में अमेंडमेंट पास कर दी जाए हाउस द्वारा, कि मतलब गवर्नमेंट ने जो भी एक रखा था सामने, जो फ्रेमवर्क रखा था पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम्स का, उससे ऑपोजिशन असहमत थी एंड वो उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये काफ़ी एक मॉरल बेइज्जती सी है गवर्नमेंट की। और ऑल्दो पिछले इस 2014 के पहले जो हमारे 65-70 ईयर्स रहे हैं, जितनी सारी लोकसभा रही हैं, उनमें हार्डली दो या तीन बार ऐसा कुछ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था एंड, लेकिन करंट गवर्नमेंट में चार साल के टेन्योर में ही ऑलमोस्ट दो तीन बार ही अमेंडमेंट पास कर दी गई है राज्यसभा द्वारा। तो होता कुछ नहीं है, बट सिंबॉलिक है कि गवर्नमेंट की काफ़ी इसमें आलोचना की जाती है। तो जो इनॉग्रल स्पीच होती है प्रेजिडेंट की, ये ओकेजन होता है मेम्बर्स के लिए टू रेज डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स लैप्सेस एंड फेलियर्स। बट ये सब बहस करने के बाद, डिबेट करने के बाद, जनरली मोशन ऑफ थैंक्स को ऐसे की ऐसे ही पास कर देते थे। बट अब ऑफ लेट, जैसे मैंने बताया कि दो बारी तीन बारी राज्यसभा ने अपनी ये सारी आलोचना के तहत दो बार तीन बार अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी एंड पास भी करी। देन रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं मेंबर्स हाउस का या सरकार का किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर की तरफ ध्यान खींचने के लिए। तो रेजोल्यूशन के ऊपर जो डिस्कशन होता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज मटीरियल विच इज स्ट्रिक्टली रेलिवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन। कि मान लीजिए पाकिस्तान में हाफिज सैयद को रिलीज कर दिया एंड पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के लिए अलाउ कर दिया, तो कि मेंबर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकता है हाउस को पास करने के लिए, हाउस के पास करने के लिए, कि इंडियन पार्लियामेंट स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेज, स्ट्रांगली अपोजेज एनी सच मूव बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू अलाउ हाफिज सैयद टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस। तो इसके ऊपर, इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो डिबेट होगी वो ऐसे बहुत ब्रॉड नहीं होगी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नहीं, बहुत स्पेसिफिक टू द मैटर रहेगी, विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन रहेगी
एंड देन द हाउस कैन वोट ऑन द रेजोल्यूशन एंड आइदर पास इट और रिजेक्ट इट। तो तीन कैटेगरीज के रेजोल्यूशन है, प्राइवेट मेंबर्स जो कि किसी भी प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि मिनिस्टर नहीं है, एक होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो कि किसी ना किसी मिनिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस किया है, एक होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कि जो कि प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट इट इज जनरली इट इज इन परसुएंस ऑफ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कि मान लीजिए आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट करता है, तो अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज होने का कोई हमें केस हमारे सामने आया जो कि बहुत पॉपुलर हो गया, मान लीजिए कहीं पे तो हमें पता चला कि दलित्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हुई, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई, तो कोई भी प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हुए कि ये जो हुआ ये गलत है, इट इज़ पनिशेबल बाय अंडर लॉ एंड इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो हाउस फेवर में या अगेंस्ट वोट कर सकते हैं टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडैरिटी विद द रेजोल्यूशन। तो थोड़ी सी ये लाइन है, ये तो इसमें क्लैरिटी अगर रहे आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे रेजोल्यूशन जो हैं वो एक तरीके से सब्सटेंटिव मोशन है, मतलब कि रेजोल्यूशन भी एक टाइप का मोशन ही है, पर हर मोशन जो है वो सब्सटेंटिव नहीं होते, हमने देखा मोशंस मल्टीपल टाइप के ही होते हैं। ऑल मोशंस आर नॉट नेसेसरीली पुट टू वोट ऑफ द हाउस, जबकि हर रेजोल्यूशन के ऊपर हाउस की वोटिंग जरूरी है। तो ये जो लाइन है ये प्लीज आप दिमाग में बिठा के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो अगेन ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको नए वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये वाला वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।